डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इनकी क्या पहचान होती है, किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, आज की इस वीडियो में ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्यों पढ़ रहे हैं इन सेंटेंसों को, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जब क्लास होगी, नरेशन की जब क्लास होगी या एक्टिव पैसिव की क्लास होगी, तो वहाँ पर इस टेंस के भी हम लोग मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनाएंगे और एक्टिव पैसिव भी बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, इसलिए इन टेंसों का पढ़ना भी ज़रूरी है। और अब हम लोग देखते हैं इसको कि हमारी ये डेली लाइफ से किस तरीके से रिलेट करते हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ये हम लोग देखेंगे इसके किस तरीके से हमारी डेली लाइफ से ये रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है, तभी हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर अच्छे से हो पाएंगी। हम लोग बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक तरीके से दावा करना, क्लेम करना, इस तरीके से होता है हमारा। ऐसे वाक जिनमें आश्चर्य, कैसे वाक्य में यूज़ करेंगे देखिएगा, ऐसे वाक जिनमें आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, दुख, घृणा, नफरत, क्रोध, हर्ष, आनंद, पश्चाताप आदि शब्दों का क्या होता है, बोध होता है। यानी इनमें क्या होता है, जैसे कि आपका आश्चर्य, कोई इस तरीके की आश्चर्य वाली बात होती है, और जो हमारे कैसे हाव भाव होते हैं, हम कैसा मतलब हमारी बॉडी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज हो जाता है एकदम, तो वो आश्चर्य के कारण होता है। तो जब आश्चर्य वाली बात होगी तब भी वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक होगा। उसके बाद में प्रसन्नता, कई बार बहुत ज़्यादा हमको खुशी होती है तो किस तरीके से खुश होते हैं, तो वो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं बॉडी के, वो भी क्या दिखाते हैं, हमारे एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज होगा। उसके बाद में दुख है, दुख में हमारा किस तरीके से दुख जब हमें आता है तो कैसा फील होता है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद में घृणा, जब नफरत करते हैं तो अलग हमारे बॉडी के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो अलग होते हैं। उसके बाद अगर नफरत है, उसके बाद क्रोध हो गया आपका, तो वो भी हमारा क्या एक तरीके से क्या है, मतलब हमारे जो बॉडी के एक्सप्रेशन से वो भी तब भी चेंज होते हैं। हर्ष आनंद में अलग अपना है, पश्चाताप का भी अलग, हमारा बॉडी के एक्सप्रेशंस चेंज होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ये इसकी क्या है, इस तरीके के जब सेंटेंसेज आएंगे तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी का हम लोग यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद जैसे सरप्राइज, हैप्पीनेस, ग्रीफ, सोरो, ये मैंने इनका मीनिंग साथ में लिख दिया है आपको, ताकि आप इंग्लिश में समझना चाहें तो इसको अच्छे से इंग्लिश में भी समझ लें, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये एक बात होती है हमारी, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ये पहचान टाइप से हो गई, मतलब एक भाव से हम मतलब सेंटेंसेस को क्या करेंगे, पहचानने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और उसमें, इसमें नोट में मैंने आपको दिया कि इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा ना ये वाला, यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या होगा, आपको इस तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो कुछ जो सेंटेंस होते हैं हमारे, कुछ जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, व्हाट और हाउ से भी उनकी शुरुआत हो जाती है, तो उनके अंत में भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है दिखाई देगा, संबोधन जो चिन्ह होता है वो आपको दिखाई देगा। हम लोग देखेंगे इसको अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा आपके लिए, या तो वो सेंटेंस के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो आप उससे पहचान लेंगे, ठीक है, ये एक पहचान हो सकती है। उसके बाद आपको क्या होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे जो होंगे, जीए वाले बहुत सारे वर्ड्स, जैसे आपको ब्लैक कलर में से माय गुडनेस, बाओ, हुर्रा, ओहो, एलास, आह, ब्रेवो, हुर्रा, इस तरीके के वर्ड जो उसमें दिए जाते हैं। मैं बहुत पूरी की पूरी लिस्ट है आपको आगे की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ, तो इस तरीके के ये वाले वर्ड होंगे और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आपका दिया रखा होगा, तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। ये पहचान हमने आपको एक भाव के हिसाब से भी आपको बताया, उसके बाद में इसमें क्या क्या वर्ड जो यूज़ होंगे वो हमने बता दिए, ये पहचान है। मतलब ये वाले वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाले जो वर्ड हैं, और आप स्क्रीन पर भी देखेंगे आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, कैसे वाक्य इसके अंदर मिलते हैं, कैसे जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूज होते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, जैसे मैच जीत जाते हैं, हम लोग मैच खेलें तो बोलते हैं हाँ हाँ हम मैच जीत गए, इस तरीके से इजहार करते हैं अपना खुशी का। इसी तरीके से मान लीजिएगा हाय मैं बर्बाद हो गया, तो ये क्या है, एक तरीके से दुख की बात हुई। इस तरीके के सेंटेंस है, ओह ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ठीक है, ओहो कितना अच्छा मकान है, ओहो कितने खूबसूरत लड़की है, इस तरीके के जो भाव होते हैं ये ऐसे सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। तो आइए इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं, मतलब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, सारे एग्जाम्पल्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी शुरुआत में हम लोग मिक्स एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद मैं सिक्वेंस के साथ कराऊंगा कि कैसे फिर रूल्स पे भी हम अच्छे से बात भी कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं उस पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है
कितना बुद्धिमान लड़का है, तो व्हाट ए वाइज बॉय, इसकी ये इंग्लिश बन जाएगी। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, वह कितनी सुंदर, मतलब वह कितनी सुंदर है, तो हाउ ब्यूटिफुल सी इज़, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा तीसरा है, कितना अच्छा आदमी है, तो व्हाट ए नाइस मैन, यानी जब हमको लगता है दिखने में कि भाई कितना अच्छा आदमी है, तो हम बोलते हैं व्हाट ए नाइस मैन, वाह तुमने सही जवाब दिया, ग्रेट यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, इस तरीके से हो गया हमारा। अगला है हमारा पाँचवा सेंटेंस, कितना सुंदर घर है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, जैसे आपको भी लगे भाई कितनी अच्छी बिल्डिंग है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। कितना अच्छा बोलता है वह, तो हाउ फ्लुएंट ही स्पीक्स, इस तरीके से बोलता है, तो प्रेजेंट की सेंस है तो इसलिए बन गया। टेंस बहुत ज़रूरी है, टेंस का पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कितना मूर्ख लड़का है, व्हाट ए फूलिश बॉय, इस तरीके से कितना शानदार लिखावट है तुम्हारी, तो हाउ वंडरफुल हैंड राइटिंग यू हैव, इस तरीके से। अगला है, कितना सुंदर ड्रेस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब हम लोग देखेंगे इसमें हाउ से बनने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनकी हम लोग बात कर लें। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउ लगाना, उसके बाद आपको क्या करना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको लगाना है। ठीक है, बहुत जल्द एडजेक्टिव और एडवर्ब पे भी क्लास आएगी। मतलब एडजेक्टिव हमारा वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, और एडवर्ब होता है जो नाउन की, या फिर आप कह सकते हो किसी नाउन की किसी चीज़ की विशेषता, तो आपका एडजेक्टिव भी बताएगा। लेकिन ये एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है कि नाउन की, फ्रेज की, और आपको कह सकते हो खुद एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लेके आना, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए हाउ से कैसे बने। अभी हमने मिक्स में जो सेंटेंस देखे वो सारे मैंने कुछ मिक्स करा दिए थे, हम लोग इसके सीक्वेंस वाइज देखेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या खूब है, तो हाउ स्वीट, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा बाद में आया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, इस तरीके से हमारा बनता है। उसके बाद तुम कितने दुबले हो, तो हाउ थिन यू आर, हाउ थिन यू आर, इस तरीके से। लंबे हो तुम, हाउ टेल यू आर, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हाउ बिग योर हाउस इज, इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे बनाए जाते हैं। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, मतलब सातवां सेंटेंस है, तुम्हारी आँखें कितनी पीली हैं, तो हाउ पेल योर आइज आर, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, तो हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हमारा इसमें अगला सेंटेंस है, वह कितनी सुंदर है, नवा सेंटेंस है, सॉरी, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, इस तरीके से। दस नंबर सेंटेंस हमारा, कितनी शानदार लिखावट है तुम्हारी, तो हाउ वंडरफुल हैंड राइटिंग हैव यू, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो ग्यारहवा नंबर सेंटेंस है, कितनी मूर्खतापूर्ण योजना है उसकी, तो हाउ फूलिश हिज प्लान इज, इस तरीके से हो जाएगा। कितनी जोर से चिल्ला रही हो तुम, मतलब तुम चिल्लाते हो तुम, तो हाउ लाउडली यू स्पीक्स, इस तरीके से हो जाएगा। बारहवा सेंटेंस है, कितनी तेज़ी से साइकिल चलाता है बह, तो यह बह कितनी तेज़ी से साइकिल चलाता है, इस तरीके से हाउ फास्ट द साइकिल ही ड्राइव्स, इस तरीके से हो जाएगा। कितना अच्छा बोलता है बह कितना अच्छा बोलता है, ऐसे हम बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाउ फ्लुएंट ही स्पीक्स। अच्छा, अगला है, यह शहर कितना सुंदर है, तो हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। अब हमारे देखेंगे व्हाट से बनने वाले, यानी कुछ सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, व्हाट से बनते हैं। तो व्हाट से कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको व्हाट लगाना है ए या एन में, यानी इसके साउंड के अनुसार आपको एडजेक्टिव के, उसके बाद नाउन आपको लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर वर्ब होगा तो आप वर्ब लगाएंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ का मतलब भी कितना था, लेकिन व्हाट का मतलब भी कितना है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। देखिए क्या चेंज होता है, कितना बुद्धिमान इंसान है, तो व्हाट ए वाइज पर्सन, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा आदमी है, तो व्हाट ए नाइस मैन, व्हाट ए गुड बॉय, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। यानी मतलब दूसरा सेंटेंस अगर बनाएंगे हम, कितना सुंदर घर है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, इस तरीके से भी बन जाते हैं। कितना मूर्ख लड़का है, व्हाट ए फूलिश बॉय। कितनी सुंदर ड्रेस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इस तरीके से इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, इसमें है हमारा सिक्स नंबर, कितनी व्यस्त ज़िंदगी है, तो इसकी ट्रांसलेट होगी व्हाट ए बिजी लाइफ, इस तरीके से हमारा। कितना सुंदर मोर है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीकॉक, इस तरीके से बन जाएगा। तुम कितने मूर्ख लड़के हो, तो व्हाट ए स्टॉप इट बॉय यू आर, इस तरीके से होगा। वह विचित्र संयोग है, तो व्हाट ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, इस तरीके से बन जाएगा। वह मतलब दसवां सेंटेंस है, क्या ही अच्छा विचार है, तो व्हाट ए ग्रेट आइडिया, बोलते ना व्हाट एन आइडिया सर जी, ये भी सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी का ही होता है। अच्छा, ग्यारहवां सेंटेंस है, कितनी दुखद अंत है, तो व्हाट ए
ट्रेजिक एंड, ट्रेजिक एंड इस तरीके से बोल जाएगा। तीसरा 12वां सेंटेंस है, कितना सुंदर स्थान है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, इस तरीके से बन जाएगा। क्या बेहतरीन योजना है, तो व्हाट ए ग्रेट प्लान, इस तरीके से। क्या दमदार शख्सियत है, क्या दमदार शख्सियत है, तो व्हाट ए डेसिंग पर्सनैलिटी, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप कुछ सेंटेंस ऐसे हों जैसे एलास, हुर्रा, जैसे मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट, यदि से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनको देखेंगे। तो इसमें जैसे आता है हाय बूढ़ा मर गया, मर चुका है, हाय बूढ़ा मर चुका है, इस तरीके से। यानी तो एलास द ओल्ड मैन इज़ डेड, यानी वो क्या हो गया, मर गया है, या वो मर चुका है, तो ऐसे बना सकते हैं। द ओल्ड मैन हैज़ डाइड, इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा सेंटेंस है, अफसोस कुत्ता मर चुका है, ठीक है, तो एलास द डॉग इज़ डेड, इस तरीके से। यह मर चुका है वाली सेंस है, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, द डॉग, यानी इस चीज़ का मतलब एकदम कुत्ता मरा हुआ है, ठीक है, डॉग इज़ डेड, अगर इसको ऐसे बना सकते हैं, द डॉग हैज़ डेड, ठीक है, इस तरीके से डाइड। अच्छा, इसमें अगला हमारा हुर्रे, हमने मैच जीत लिया, जैसे बोलते हैं हाँ हमने मैच जीत लिया, तो इसको कैसे मैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो हुर्रा के बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इसका ध्यान रखना। जैसे अगला है हुर्रे हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो हुर्रे वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, इस तरीके से। अगला ओह वह गिर गया, तो ही हैज़ फेलन, इस तरीके से बन जाए। ओह कितनी प्यारी जगह है, ओह व्हाट ए लवली प्लेस, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अगला है ब्रेबो आपका प्रोजेक्ट चुन लिया गया, तो ये क्या है, कभी शाबाशी देने के लिए हम लोग लगाते हैं, तो ब्रेबो योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा ब्रेबो आप कक्षा में प्रथम आए हो, तो क्या कैसे बनाएंगे, ब्रेबो एक्सक्लेमेशन मार्क यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अगला सेंटेंस है नमा हमारा बहुत बढ़िया आप सही कह रहे हैं, तो वेल डन यू आर डूइंग राइट, आप सही कर रहे हैं, इस तरीके से। भगवान के लिए सच बोलो, तो फॉर गॉड से एक स्पीक द ट्रुथ, शुक्र है मूवी शुरू हुई, एट लीस्ट एट लास्ट मूवी स्टार्टेड। अगला है हमारा 12वां सेंटेंस हे भगवान बहुत बड़ा बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, तो ओ माई गॉड व्हाट ए ट्रिबल एक्सीडेंट, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें 13वां सेंटेंस है वाह तुमने सही जवाब दिया, ग्रेट यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, इस तरीके से बन जाएगा। वाह ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, वाह दिस इज दिस ड्रेस इज़ वेरी नाइस। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।